क्या मांग रहे हो आप लोग? क्यों घूम रहे हो यहाँ ऐसे? कहाँ रहते हो? साढ़े छह घंटे में आपको दिल्ली एकदम ये टेकअप कर देंगे आपको तो। और ये कुछ चल ने इसको लॉन्च किया है, बाकी आपको एज वेल वही मिल। वेलकम गाइज माई न्यू ब्लॉग, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आपको सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 11 और छोटे से बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। मैं अभी घर से निकल चुका हूँ, ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है मैंने। तो अभी मैं मंगल पड़ाव के बस स्टेशन पर, हल्द्वानी का जो भी बस स्टेशन है ना, वो वहाँ खड़ा हूँ मैं बाहर। आपको दिखाते हैं कि वहाँ का कैसा सिचुएशन है, क्या है, किस तरह से। तो अभी ये काफ़ी गैदरिंग है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये बाहर का एरिया है, ये पुलिस चौकी का एरिया है ऊपर का, और ये नीचे का एरिया है। तो यहाँ पर बसें भी खड़ी हैं, काफ़ी ट्रैफिक है अभी यहाँ पर। अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो अभी बारिश थोड़ा कम हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पर, आप देख सकते हैं काफ़ी गैदरिंग है। तो कुछ इस तरह से बाहर का नज़ारा है, यहाँ गाड़ियाँ काफ़ी चल रही हैं, अभी काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो अभी रोड क्रॉसिंग करते हैं। तो आजकल अतिक्रमण की गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और ये हमारे दादा मिल गए हैं। देखो अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं, ये सब भर के ले जा रहे हैं, जितने भी मतलब अतिक्रमण रहेगा सब भर के ले जा रहे हैं। तो अभी मैं बस स्टेशन के जस्ट बाहर ही खड़ा हूँ, और कुछ इस तरह से बोर्ड है बस स्टेशन का, और यहाँ पर यात्री लोग हैं। तो बारिश के दिनों में किस तरह से है मौसम देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सवारी लोग हैं, तो ये इसका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर ना काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी आपको, नकालों से ज़रा सावधान रहिए। और आराम से भाई। तो यहाँ पर ये सिकंजी भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो सिकंजी? सोडा सिकंजी कैसे भेज रहे हो? 30 रुपये का गिलास भेज रहे हैं ये सोडा सिकंजी, आपको जस्ट यहीं पर ही मिल जाएगा। आज तो उतना ठंडा है, गर्म है नहीं, मगर गर्म होगा तो यहाँ पर ये भाई की दुकान में आइए और 30 रुपये का सिकंजी पीजिए। और ये भाई भेज रहे हैं यहाँ पर बुक्स, सारे बुक्स यहाँ पर मिल जाएंगे, सामान्य ज्ञान से लेके जनरल नॉलेज सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर काफ़ी गैदरिंग है, और ये साइड आपको शौचालय भी मिल जाएगा, आपको पेट करके बाथरूम का यूज कर सकते हैं। बुक्स की दुकान है, और ये भाई की यहाँ पर किराना की दुकान है छोटी सी। आपको यहाँ पर नमकीन, बिस्कुट, कुरकुरे सब कुछ मिल जाएगा, पानी की बोतल भी मिल जाएगी आपको। तो ये कुछ इस तरह से इंटरेस्ट है। और ये दुकान और भी है यहाँ पर, और उसके बगल में चाय कॉफ़ी ये सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी यहाँ अंदर को चलते हैं, दिखाते हैं क्या है। ये उत्तर प्रदेश की बस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें रास्ते में मिल जाएंगी। देखो देवभूमि भोजनालय करके एक ठिया लगा हुआ है, इसमें चाउमीन, ब्रेड पकौड़े वगैरह सब। कैसे दे रहे हो ब्रेड पकौड़ा? 15 का एक ब्रेड पकौड़ा है। चाउमीन कैसी है? 30? 30 रुपये? 30 रुपये हाफ है। और दाल चावल? 30 रुपये हाफ दाल चावल मिल जाएगा गाइस यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। और ये भैया खा रहे हैं यहाँ पर चने वने खा रहे हैं नाश्ते में, तो आप भी ले सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी गैदरिंग है यहाँ पर, बसें लगी हुई हैं। कहाँ कहाँ के लिए बस मिलेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर एक बस लगी हुई है, और ये जाएगी मुरादाबाद, रुद्रपुर हल्द्वानी, रुद्रपुर होते हुए मुरादाबाद जाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है, और ये दिल्ली रुद्रपुर जाएगी। दिल्ली की भी बसें हैं कुछ इस तरह से है, ये बस नहीं है। और यहाँ पर संभल के जाइए, आपको गड्ढे भी मिलेंगे। देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, काफ़ी पानी भरा है, और ये बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है यहाँ पर। तो आप जो छोटे वाहन हैं दोपहिया, तो आराम से जाइए, यहाँ पर दिक्कत ना हो आपको। तो वहाँ पर ये बस है, ये हल्द्वानी नैनीताल रामनगर जाएगी। हमारे ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, और यहाँ जस्ट बगल में भारतीय डाक का पोस्ट ऑफिस भी है, यहाँ पर जो भी है जो चीज़ कर देंगे। और ये बस है, ये जाएगी आपके हल्द्वानी डिपो। कहाँ जाएगी ये बस कहाँ जाएगी? दिल्ली, ये सभी सारी दिल्ली वाली बस है ना ये वाली? ये जितनी भी बसें दिख रहे हैं ना आपको, ये आनंद विहार दिल्ली की बसें लगे हुए हैं, न्यू बसें हैं अभी अशोका लेलैंड की, उत्तराखंड परिवहन निगम की। ये आनंद विहार रुद्रपुर होते हुए, आनंद विहार दिल्ली जाएंगे, और ये बस भी दिल्ली जाएगी। जो ये ब्लू कलर की जो बसें दिख रहे हैं आपको, ये सब दिल्ली वाली बस हैं, डायरेक्ट आपको दिल्ली के लिए मिलेंगी। इसमें बैठे आप डायरेक्ट दिल्ली जाइए आप। और ये लोकल है, रामनगर नैनीताल नैनीताल जाएंगे ये बसें। और ये बच्चे देखो, ये कुरकुरे लेके मांग रही है, क्या चाहिए बेटा?
ये देखो ऐसे भी आते हैं लोग यहाँ। और ये काठगोदाम नैनीताल लोकल की बसें हैं, और ये रुद्रपुर मेरठ एरठ वहाँ जाने के लिए हैं, ये लोकल की बसें हैं। आपको जो भी लोकल में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो भी है ना उसके लिए है। तो काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर, भाई फंसे हुए हैं। और मैं अंदर को चलता हूँ यहाँ को, और एक बस यहाँ पर है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। और ये भी बस है, और ये जाएगी आपकी दिल्ली, ये दिल्ली जाएगी रुद्रपुर होते हुए। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली का बोर्ड है, ये बस दिल्ली जाएगी और ये रुद्रपुर जाएगी। रुद्रपुर के लिए आपको हर 15-20 मिनट में ना यहाँ पर से बस मिल जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है। और एक बस आपको यूपी होते हुए प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, बरेली, हल्द्वानी, कानपुर और प्रयागराज यहाँ को जाएगी ये बस है। ये हमारे भाई साहब है, कैसे हो और सब बढ़िया? हाँ तो तैयार हैं, अभी जैसे इनका नंबर आएगा तो ये जाएंगे। आप मांग क्या मांग रहे हो आप लोग, क्या मांग रहे हो आप लोग, क्यों घूम रहे हो यहाँ ऐसे, कहाँ रहते हो हैं? ये देखो भाई, ये मांगने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे यार, स्कूल जाने की उम्र है। ये कहाँ जा रहे हो भैया? अच्छा अच्छा, ये काम करने जाना है भैया। आपको कहाँ जाना है भैया? इनको कहीं नहीं जाना है, लोकल ही जाना है। तो हमारे ये टैक्सी भैया है, ये भी जाम में फंसे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं। आगे से बड़ी बस जा रही है, तो क्या करेंगे। हेलो भैया, बैठो। और ये बस तैयार है जाने के लिए। कहाँ जा रही है ये बस कहाँ जा रही है भैया? ये दिल्ली जाएगी, हमारे दिल्ली के ड्राइवर साहब हैं। और गर्म कितना हो रहा है दिल्ली में? बहुत ज़्यादा दिल्ली में गर्म है, यहाँ तो बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है। हाँ, कितने घंटे में पहुँचोगे दिल्ली? 6.5 घंटे में आपको दिल्ली एकदम ये टेकअप कर देंगे आपको। तो ये चलने के लिए तैयार है बस दिल्ली के लिए। तो दिल्ली लगा रहे हैं, इनका नंबर आ गया है, ये हल्द्वानी से दिल्ली जाएगा। और इसका किराया भी पूछ लेते हैं, जरा किराया पूछा नहीं, दिल्ली का क्या किराया है, क्या किराया है दिल्ली का, क्या किराया है? 450 रुपये में दिल्ली जाएंगे। ये कंडक्टर साहब हैं हमारे वर्दी में। 450 में आपको 6.5 घंटे में दिल्ली छोड़ देगी ये बस आपको। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पानी भरा हुआ है, सुबह काफ़ी बारिश हो गई थी ना, यहाँ हल्द्वानी को काफ़ी बारिश हो रही है। तो यहीं तो के बस डिपो है, यहाँ को मार्केट आ जाती है, रेलवे बाज़ार। तो आपको मैं कभी दिखाऊंगा अगर दूसरा रेलवे बाज़ार की वीडियो बना के, काफ़ी गैदरिंग है यहाँ पर। और दूसरी बस ये लगी हुई है, ये जाएगी रुद्रपुर, ये भी दिल्ली जाएगी ना। ये सब ये नई बसें निकली हैं ना आजकल, ये सब दिल्ली वाली हैं। तो सारी दिल्ली वाली बसें हैं जो आपको ये नई बसें दिख रही ना, ये रुद्रपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। तो इस तरह से बड़ी चमचमाती बस है, एकदम साफ सुथरी एकदम। आपको कहाँ जाना है भैया? दिल्ली जाना है, बैठो। 450 रुपये में वो बस जा रही है सामने वाली, और ये सारे बसें लगी हुई दिल्ली की ना, यहाँ बहुत ज़्यादा बसें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं एक बस चली गई है, 3-4 बसें लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये हल्द्वानी डिपो है, ये लोकल में जाएगी, और ये भी आनंद विहार दिल्ली जाएगी, ये बस भी दिल्ली जाएगी, और वो भी दिल्ली जाएगी। ये जो सब बसें दिल्ली के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। और रास्ते में जो भी छोटे मोटे स्टेशन आते हैं ना, मुरादाबाद हो गया और गाज़ियाबाद हो गया, गजरौदा में रुक सकते हो। और ये कुछ इस तरह से बस स्टेशन का काउंटर है, और यहाँ पर ये बस स्टेशन है, और यहाँ पर ये पूछताछ कक्ष है। यहाँ पर आप समय संचालन, मतलब कब कितने बजे कौन सी बस जाएगी, वो यहाँ पर ये सारा बताएंगे। और ये पूछताछ कक्ष है, ये भी पूछताछ कक्ष है, मगर ये भी यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर ये यात्रीगण बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पर ये कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है, और ये कुछ हमारे विधायक जी संजय उप्रेती जी, हेमंत अग्रवाल जी, निगम के सम्मानित अध्यक्ष रह चुके हैं, शोभा भी जी जो हल्द्वानी, यहाँ पर ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है हल्द्वानी के, जो हमारे विधायक जी हैं
सुमित इतिहास जी, तो उनका कुछ यहाँ पर मीटिंग चल रही है, कुछ संदेश दे रहे हैं, वो कुछ इस तरह से है। और ये गार्ड साहब है हमारे गन लेके, विपिन चंद्र जी, महेश शर्मा जी जो पूर्व दंडाधिकारी हैं, संजय किरोला जी, भानु भारती जी, हरीश मेहता जी जो पूर्व महामंत्री रह चुके हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जीवन अधिकारी जी, भागीरथी बी जी, जया कर्नाटक जी, राजीव खंडवा जी जो पूर्व दर्जा मंत्री हैं, और आपके साथ ही जितने भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी जिनका नाम मैंने ले पाया, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय आचल बिल्कुल जो उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इन सभी में जो हमारे यहाँ पर नैनीताल दुखसन के और उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के और डेयरी विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी और मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सभी का और हमारे जो उपभोक्ता तो यहाँ पर ना गाइस, विधायक जी की कुछ संगोष्ठी चल रही है, ये है उत्तरांचल दुग्ध उत्पाद संघ लिमिटेड लाल पॉन्ड नैनीताल, शुभारंभ हो रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो इस चीज का ना ये चल रहा है, जो ये मिल्क बूथ का जो ये है वो चल रहा है यहाँ पर, इसका उद्घाटन चल रहा है और इसकी ओपनिंग है आज लगातार दिन रात, ये इसकी ओपनिंग है क्या आज? अच्छा, ये क्या मतलब, क्या जैसे कंपनी की तरफ से? ये कंपनी की तरफ से प्लेन छाछ है, दही है और आपका मिल्क प्रोडक्ट सारे घी हो गया, तो सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पर काउंटर आज से ओपन अभी कंटिन्यू चलेगा यहाँ पर, इसका संचालन कौन कर रहा है? आप ही की कंपनी कर रही है आंचल की? कंपनी से तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर आएगी, लेकिन जिसका टेंडर बस जिसके पास अलॉट हुआ होगा, जो इसका ऑनर चलाएंगे वो करेंगे, बाकी प्रोडक्टिविटी सारी कंपनी से यहाँ पर वो अपने। हाँ, तो गाइस यहाँ पर जो भी आंचल का जो भी प्रोडक्ट आएगा, आंचल के जितने भी पनीर है, दूध, दही, छाछ वगैरह है ना, तो यहाँ पर ये इसका उद्घाटन चल रहा है बस डिपो पे, और यहाँ पर ये नया खोल के रखा है इन्होंने कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर विधायक जी हमें हमारे रोहतला साहब ने सब लोग आए हैं, तो आंचल का ये मिल्क बूथ यहाँ पर खुला है और कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका आज से उद्घाटन होगा। आज के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी से आंचल का जो भी दूध दूध है वो आएगा और यहाँ से आप ले सकते हैं सही दाम पे। तो इसका रेट अलग अलग है या मार्केट के हिसाब से? जो मार्केट पे रेट है। अच्छा, ये कितने का आंचल का ये दूध? 15 रुपए, छाछ है 15 रुपए का, छाछ मिलेगा, दूध भी मिलेगा, सारी चीजें। कितना रुपए लीटर है दूध आंचल का? 55 रुपए लीटर है, वो उसकी स्टैंडर्ड लेते हैं। और ये घी? 610 रुपए। और दही वगैरह सब कुछ मिल जाएगा? और नया वैरायटी क्या आया है उसमें? नया वैरायटी आपके मैंगो स्ट्रॉबेरी, बाकी आइसक्रीम है आपका, आइसक्रीम और लस्सी वगैरह नया वैरायटी आया है आंचल ने, इसको लॉन्च किया है। बाकी आपको एज वेल वही मिलेंगी जो और दुकानों में मिलती थी और डायरेक्ट कंपनी से, तो ये नया प्रोडक्ट कुछ इस तरह से। तो हमारे ये विधायक साहब की गाड़ी है यहाँ पर और हमारे मेयर साहब भी आए हुए हैं और ये न्यूज़ चैनल वाले आए हैं, तो कुछ इस तरह से था गाइस, आप देख सकते हैं। और ये बस स्टेशन में काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर और यहाँ चल रही मीटिंग। तो गाइस आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।